जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टेट डिफेंस एकेडमी। आई एम एक्स एनडीए अविराज सिंह और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एनडीए रिटर्न क्लियर करने की 45 डेज की स्ट्रेटजी। जैसे आपको पता है कि एनडीए का रिटर्न 4 सितंबर को होना है, हमारे पास बहुत कम डेज बचे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको वो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो मैंने खुद अपने लिए यूज करी थी या फिर जो मेरे कोर्समेट्स थे एनडीए में उन्होंने अपने लिए अप्लाई करी है। तो वीडियो आपके लिए आज काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एनडीए रिटर्न एग्जाम 4 सितंबर को है, तो जैसे कि देखा जाए तो आपके पास 45 डेज बचे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्ट्रेटेजी के थ्रू जो मैं आपको भी बताऊंगा उसके थ्रू मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ आपकी प्रिपरेशन को पोस्ट करने के लिए। तो जब हमारे पास कम टाइम बचा होता है तो हमारे अंदर एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। बट जो एनडीए के रिटर्न एग्जाम का नेचर होता है वो आपसे ये डिमांड नहीं करता है कि आप उसको सब कुछ ला के दो। वो चाहते हैं कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो हर एक सब्जेक्ट में। एनडीए में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स होने का रीजन ही ये होता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं, यूपीएससी जानना चाहती है कि आपको एवरेज नॉलेज हो हर सब्जेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक मैं यहाँ पे यही लेके आऊंगा कि जितना आपके पास कम टाइम है उतना फोकस करें कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं उसके ऊपर, क्योंकि लेस इज मोर। आप जितने ज्यादा सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ेंगे या उन टॉपिक्स पे जाएंगे जिनके बारे में आपको पहले से पता है तो उतना ही आपके लिए ईजी होता जाएगा, उतना ही ज्यादा आप उनको इजिली रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि जब आपके पास कम टाइम बच रहा है जैसे 40 to 45 days, तो आपको पता है कि आप अगर कोई चीज़ पढ़ने जाएंगे तो आप उसमें इतना अच्छे से एक्सेल नहीं कर पाएंगे या फिर आप उतने अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाएंगे, स्पेशली अगर कोई मैथ वाला सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो टॉपिक्स आपको पहले से आते हैं या आप उन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए जो आपको कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे। जैसे कि अगर मैं मैथ्स में बताऊँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो होंगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, वेक्टर, कैलकुलेशन एंड फंक्शन। और उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप इजली कैलकुलस वगैरह भी पढ़ सकते हैं। ये क्या होते हैं कि ये बेसिक टॉपिक्स होते हैं और इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि अगर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं कि 80-90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप अगर 55 to 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो और मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो तो आप इजली मैथ्स का कटऑफ निकाल लोगे। उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नोट मेकिंग के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ना है, चाहे वो GAT हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो। आप या तो ऑनलाइन नोट्स लीजिए या फिर अपने दोस्तों से नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप इस टाइम में नया पढ़ने की जगह पे नोट्स बनाने में रह जाएंगे तो आपका मैक्सिमम टाइम उसमें चला जाएगा और आप नई चीज़ें गेन नहीं कर पाओगे। तो मैं कहूँगा कि नोट मेकिंग इस टाइम पर अवॉइड करिए, इसलिए अपने फ्रेंड से नोट मांग लीजिए या फिर आपको ऑनलाइन काफ़ी लोग के नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे तो आप उससे पढ़िए। दूसरा, अगर हम GAT में देखते हैं तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे होते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। उसके बाद भी काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं बट अगर आपको ध्यान देना है तो GAT में इसलिए ज़्यादा देना है साइंस वाले सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम लगता है तब ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़िए। साइंस सब्जेक्ट्स क्योंकि मैथ के जो एनडीए के एग्जाम देते हैं उसमें मोस्टली हम लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं और साइंस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन साइंस हमारे लिए बहुत रेयरली आते हैं। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा एनडीए रिटर्न में कि आप साइंस में अगर अच्छे हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इजिली जो है GAT में ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे। उसके बाद उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो पहले आप फोकस करो कि क्लास 11th की NCERT आप ज्योग्राफी के लिए उठा सकते हो, क्योंकि उसमें आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं टोपोग्राफी वगैरह के या फिर एनवायरनमेंट वगैरह के उसमें क्लियर होते हैं और वही मोस्टली ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जा सकते हो, एंशियंट और मीडिएवल अगर आपके पास टाइम बचता है तभी पढ़ना, क्योंकि जो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप इजिली इधर जाकर आप हिस्ट्री के टाइटल कर लोगे। उसके बाद पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन भी डिफरेंट होते हैं और उसका सिलेबस भी डिफरेंट होता है, तो आप पॉलिटी पढ़ के इजिली 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। और उसके बाद जो साइंस सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको क्या प्रोसेस करनी है कि अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। न्यूमेरिकल की पीछे मत भागिए क्योंकि न्यूमेरिकल वैसे बहुत रेयरली आने होते हैं, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाएं। अब मैं वापस आना चाहूँगा मैथ्स के तरफ। अगर आपको मैथ्स प्रिपेयर करना है तो उसको आप 3 फेज में करेंगे। फर्स्ट फेज में आपको फोकस करना होगा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। आपके पास चाहे कितना भी कम टाइम बचा हो या आपको काउंटर इंटुइटिव लग रहा होगा कि इतने कम टाइम में मैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने जाऊँगा फिर मेरी बाकी चीज़ छूट जाएंगी, बट एनडीए एग्जाम में अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं जाओगे तो आप यू आर बाउंड टू फेल। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाना है,
उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप शॉर्टकट थोड़ा शॉर्टकट को डेवलप करें। उसके बाद जो थर्ड ट्रिक्स है या थर्ड स्टेप है उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजी शॉर्टकट वगैरह अप्लाई करके कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन लगा पाओगे। और उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में। दूसरा, अगर आपके मैथ्स नहीं गए तो आपको मैथ्स कभी नहीं छोड़नी है। इन 40 या 45 डेज के जो आपको टाइम मिला है उसमें आपको डेली मैथ्स लगानी है एटलीस्ट 3 से 4 आवर्स के लिए। आप स्टडी टाइम 6 to 8 आवर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उससे कम पढ़ते हो तो आपको पता है कि एनडीए रिजल्ट निकालना इतना ईजी नहीं है, वो भी इतने कम टाइम लगे अपने। तो मैथ्स जिनकी वीक है उनको मैथ्स डेली पढ़नी है। सेम अगर आपका जो सब्जेक्ट वीक है उसी तरफ आप शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो आप उसमें इतना कर लोगे कि आपका इजली कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी तरफ शिफ्ट हो जाओ। उसमें देखो कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन से सब टॉपिक्स हैं जिनको कम पढ़ के भी जो डेफिनेटली आते हैं और जिनका अच्छा खासा रिलेटिव मिलता है उनकी तरफ जाओ। इन एनालाइज करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो। और देखो कि अगर आप GAT में जा रहे हो वहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और उसके बाद जनरल नॉलेज। तो जो इंग्लिश होती है उसमें आप 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप 40 क्वेश्चन करने की ट्राई करें, क्योंकि अगर आप GAT में कम स्कोर करोगे, क्योंकि GAT एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स मिले हैं, तो आप कोशिश करोगे उसमें ज़्यादा ज़्यादा स्कोर कर लेंगे। मैथ्स में आपको पर क्वेश्चन वहीं पर GAT में आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। तो मैथ्स अगर आपकी वीक है तो आप इस तरीके से कट ऑफ निकालने की कोशिश करो, और उसके बाद कोशिश करो कि आप GAT में अच्छा परफॉर्म करो जिससे कि आपकी मेरिट मिले। और सेम उल्टा अगर आपकी मैथ्स अच्छी है GAT वीक है तो आप यहाँ पे कोशिश करो कि आप मैथ्स में एटलीस्ट 80-85-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और एकदम मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। और उसके बाद GAT में कोशिश करो कि किसी तरीके से इंग्लिश में आप 35-40 क्वेश्चन कर लो, GAT और इन सबको मिला के भी डिसेंट तरीके से स्कोर कर लो ताकि आपका कट ऑफ नहीं करते। बट अगर आपके दोनों सब्जेक्ट वीक है तो इन 45 डेज की स्ट्रेटजी में आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि जितना ज्यादा आप स्टडी टाइम देते जाएंगे उतना ज्यादा आपके क्वेश्चन करने की प्रॉबिलिटी बढ़ती जाएगी। आपको मैथ्स डेली लगानी है, GAT में आप सब्जेक्ट एक एक दिन स्पेश करके पढ़िए, और जितना आप पढ़ रहे उसको संडे को जरूर रिवाइज करना है। मतलब जो आपने 6 डेज में पढ़ा है संडे को आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पुराना पढ़ा है उनको रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि जब हम शॉर्ट टाइम में कोई नई चीज पढ़ने जाते हैं, कोई नई चीज रिटेन करनी होती है, इसलिए हमें रिपीटेशन ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप सोचेंगे कि आप पढ़ते जा रहे हैं तो 45 डेज तक हर दिन में आप पढ़ते जाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो आपको जब एग्जाम देने बैठेंगे तो चीज़ें याद नहीं आएंगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आप पढ़ रहे हो वीकली उसको रिवाइज करते चलो, चाहे मैथ्स हो, चाहे GAT हो, चाहे इंग्लिश हो, उनको संडे को रिवाइज करना है, संडे को कुछ नया पढ़ना है। और बाकी आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड या जो भी आ रही है, तो आप उसके लिए इंटरनेट यूज कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे आप देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है अपने फ्रेंड्स के लिए। तो इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं तो आपको डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। बस 2-3 चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको नोट्स बनानी है, आपको कहीं से नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाइए या फिर माइंड मैपिंग मेथड यूज करिए। अगर आप इलेबोरेटिंग नोट्स बनाते हैं तो उसको कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा आपको बार बुक से पढ़ी हुई है। तो अगर आपको नोट्स बनानी है तो जितना शॉर्ट जितना कंसाइज हो सके उतने कंसाइज नोट्स बनाइए, और उसके बाद नोट्स ऐसे बनेंगे जो सिर्फ आपके स्क्रीन पे है। अगर आप उनको इलेबोरेट बनाने जाओगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप चीज़ों को रिटेन भी नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा। आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको किसी और वीडियो या किसी और टॉपिक के बारे में ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर लेके आ जाएंगे।